Hello everyone, I am Naveen and today we will cover the whole carbohydrate topic. In this lecture, first we will discuss about the definition of the carbohydrates. Basically, carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones that yields these compounds on hydrolysis composed of carbon, hydrogen or oxygen. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तब इन्हीं की तरह एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप वाले कंपाउंड जनरेट होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं जो इन्हीं कंपाउंड को, जिन कंपाउंड्स में CHO या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें जनरेट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स किससे कंपोस्ट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसलिए कैसे हैं ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से कैसे हैं ये? कार्बनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्टली हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं आखिर उसकी स्टडी का रीजन क्या है, क्यों हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है, जो कि हम सब जानते हैं कि ये डाइट्री सोर्स है एनर्जी का। डाइट्री सोर्स है एनर्जी का, इसका मींस क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी सोर्स या डाइट के फॉर्म में लेते हैं। तो डाइट्री सोर्स है एनर्जी का। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी जो होती है वो है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब है कि अगर हमने किसी भी सोर्स से, जैसे फ्रूट्स के मीडियम से या किसी भी अन्य सोर्स से, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने बॉडी में लिया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हमने इनगल्फ किया है, तो उससे उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी जनरेट होगी वो होगी 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। सेकेंड इसका वर्क है प्रिकर्सर्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। प्रिकर्सर्स मतलब पहला वो मॉलिक्यूल्स या पहली स्टेज में लगने वाले सब्सटेंसेस जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। इमीडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ही फर्दर ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल्स और लीवर में स्टोर हो जाता है, और जब हमें एनर्जी की नीड होती है जैसे फास्टिंग वगैरह की कंडीशंस में या किसी डिजीज की कंडीशंस में, जब हम खाना नहीं ले रहे होते हैं, कार्ब इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशंस में यही ग्लाइकोजन फर्दर ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो कि जनरल एग्जांपल्स है, जो जनरली हमें सुनने में मिलते हैं। पहला एग्जांपल है इसका ग्लूकोज, सेकंड एग्जांपल है फ्रक्टोज एंड थर्ड एग्जांपल है गैलेक्टोज। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशंस और फंक्शंस क्लियर होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कितने टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को उनमें प्रेजेंट मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इन्हें बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड बोला जाता है डायसैकेराइड, थर्ड वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड द फोर्थ वन इज पॉलीसैकेराइड्स। मोनो का मतलब है जो एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। डाई का मतलब है दो, सैकेराइड मतलब शुगर, मतलब है इनका कि ये 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ऑलिगो का मतलब है कि ये 3 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल या 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और लास्ट जो पॉलीसैकेराइड है, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा या बहुत सारे, तो जो 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉलीसैकेराइड्स। तो क्या क्लासिफिकेशन है? मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स। तो क्या क्लासिफिकेशन है? मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। इस तरीके से 4 क्लासेस में इनको क्लासिफाइड किया गया है। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जिन्हें फर्दर सिंपल यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास प्रेजेंट है वो मोनोसैकेराइड होता है। एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल ये होता है। इन्हें भी हमने फिर 2 तरीके से इन्हें डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट देखो, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एक तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और दूसरा इनमें क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे बोला जाएगा एल्डोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे बोला जाएगा कीटोज।
इसी तरीके से कार्बन जो कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके नंबर के बेसिस पर भी इन्हें डिवाइड किया गया है, इन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो ट्रायोज का मतलब होगा जिसमें तीन कार्बन मॉलिक्यूल, तीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। टेट्रोजेज का मतलब होगा जिसमें टेट्रोजेज का मतलब होगा जिसमें फोर कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। पेंटोजेज का मतलब होगा जिसमें फाइव कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हेक्सोजेज का मतलब होगा जिसमें सिक्स कार्बन प्रेजेंट हैं। एंड हेप्टोजेज का मतलब होगा जिसमें सेवन कार्बन प्रेजेंट हैं। अब एल्डोज, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ट्रायोज में एल्डोज शुगर जो हमारे पास है वो है ग्लिसरा एल्डिहाइड है, ग्लिसरा एल्डिहाइड, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। कीटो शुगर है हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन। टेट्रोजेज में देखते हैं उसी तरह इरिथ्रोज एंड इरिथ्रिलोज जो हमारे पास में शुगर से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पेंटोजेज में जो कि पांच कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है उसमें देखते हैं, तो इसमें एल्डोज शुगर मीन जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटो शुगर मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड सी एच, और कीटो ग्रुप क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, जो कि वैकेंसी को इसकी पूरी कर रहा है। तो इस तरीके से कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो राइबोज इसमें होती है हमारे पास पेंटोज एल्डोज शुगर, और राइबुलोज होती है पेंटोज कीटोज शुगर, पेंटोजेज कीटोज शुगर। अब हेक्सोसिस की बात करते हैं जो कि सिक्स कार्बन कंपाउंड है। इसमें हमारे पास एल्डोज है ग्लूकोज, और एल्डोज है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिक्स कार्बन कंपाउंड सबसे ज्यादा एविडेंट होते हैं हमारे पास। तो एल्डोज जो हमारे पास हेक्सोज शुगर है वो कौन सी है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और कीटोज शुगर हमारे पास हेक्सोज में कौन सी प्रेजेंट है, फ्रक्टोज, ये ध्यान रखना है। हेक्सोजेज में सिक्स कार्बन वाली शुगर कौन सी है, एल्डोज में हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और कीटोज कौन सी है, फ्रक्टोज, ठीक है, ये याद रखना। अब हेप्टोजेज सात कार्बन वाले कंपाउंड्स में कौन सा प्रेजेंट है, एल्डोज ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोज कौन सा प्रेजेंट है, सीडो हेप्टुलोज। तो इस तरीके से हमारे पास ये मोनोसेक्राइड्स क्लियर होता है। डायसेक्राइड्स के बारे में बात करते हैं, तो डाया मतलब होता है दो, सेक्राइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स। तो दो शुगर मॉलिक्यूल से या टू शुगर मॉलिक्यूल से जो मिलकर बनेगा उसे बोला जाएगा डायसेक्राइड्स। देखो अब पहला इसमें इसमें हमारे पास में मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास में देखो सिक्स कार्बन वाले कंपाउंड्स से जो मिलकर बन रहे हैं, सिक्स कार्बन वाले कंपाउंड्स जो मिलकर बन रहे हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सुक्रोज, सेकंड है लैक्टोज, एंड थर्ड वन इज माल्टोज। सबने सुना होगा सुक्रोज कहाँ रहता है, प्लांट्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है ये। लैक्टोज हमारे मिल्क की शुगर है, मिल्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सुक्रोज बनता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, लैक्टोज बनता है हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ये डैश का मतलब गैलेक्टोज को दर्शाने के लिए लगाया मैंने क्योंकि दोनों में डिफरेंस रहे। माल्टोज बना होता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, अल्फा और बीटा क्या है इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट है, और सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो ये हमारे डाइसेक्राइड्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा सुक्रोज हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्लांट्स में प्रेजेंट है, जो कि फ्रूट्स के फॉर्म में हम लेते हैं, हनी के फॉर्म में हम इसे लेते हैं। अब थर्ड हमारे पास आते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर फिर भी इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल से ये मिलकर बने होते हैं, रेफिनोज एंड स्टेकायोज इसका एग्जाम्पल होता है। अब पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं, तो पॉली का मतलब होता है ज्यादा या बहुत सारा, और सैकेराइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये ग्रेटर देन या मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब देखो अभी शुगर मॉलिक्यूल एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कोई कोई पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हो सकता है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि कोई पॉलीसेकेराइड्स में ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो, गैलेक्टोज भी प्रेजेंट हो, और फ्रक्टोज भी प्रेजेंट हो। तो जिनमें एक जैसा प्रेजेंट होगा उन्हें बोला जाएगा होमो, और जिसमें अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट होंगी उन्हें बोला जाएगा हेट्रो। तो इसलिए हमने पॉलीसेकेराइड्स को फर्दर डिवाइड कर दिया है होमो पॉलीसेकेराइड्स में, हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स। आप समझ आ गया होगा होमो क्या है, जो सेम शुगर मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बना हुआ है। जैसे कि कोई कंपाउंड जो सेम ही शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसमें केवल ग्लूकोज ग्लूकोज से कोई कंपाउंड बन जाएगा, या गैलेक्टोज गैलेक्टोज से कोई कंपाउंड बन जाएगा, या फिर फ्रक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कुछ नया कंपाउंड बना लेंगे, तो ये होमो पॉलीसेकेराइड्स होंगे। और हेट्रो का मतलब इसमें अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया, दो फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल्स आ गए, जैसे इन्होंने कंबाइन करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने, अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने एक पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास एगार आता है, गम्स आता है, इसके अलावा हमारे पास है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि फेशियल क्रीम्स में या फेस क्रीम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है हाइलुरोनिक एसिड। इसके अलावा हिपेरिंस है, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स, तो ये कुछ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इन सबका, ठीक है, बल्कि होमो का इतना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं, क्योंकि एक जैसे मॉलिक्यूल है। जैसे कि देखो अब इसमें भी होमोपोलीसेकेराइड्स में भी दो टाइप के होते हैं ये, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। स्टोरेज मतलब जो कि
बॉडी में या प्लांट्स में या किसी भी फॉर्म में स्टोर होंगे। स्टोर क्यों होंगे? क्योंकि इनका फर्दर यूज होना है, अभी जरूरत नहीं थी तो हमने स्टोर करके रख लिया, जब आगे हमें इनकी नीड होगी, जब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी तब तो हम इनको यूज कर लेंगे, तो ये स्टोरेज फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और सेकंड क्या होगा? स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे प्लांट की सेल वॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लांट्स में जो हमारा स्टेम है उसमें किसी अदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे, बॉडी में कहीं कोई फॉर्मेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर्स में होमोपॉलीसेक्राइड्स को डिवाइड किया गया है। आप देखो स्टोरेज में हमारे पास कौन कौन से हैं? डेक्सट्रिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन। इनुलिन प्लांट की जो रूट्स हैं मेनली उनमें स्टोर पाया जाता है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। अब ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन अभी पढ़ा था कि ग्लाइकोजन क्या करता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ही ग्लाइकोजन एक फॉर्म है, ठीक है, ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड्स है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ही ये बना होता है। और ग्लाइकोजन को बॉडी कहाँ स्टोर करती है? मसल्स में, लीवर में। और जब हमें नीड होती है तो ग्लाइकोजन को हम कहाँ कन्वर्ट कर देंगे? इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज ये फॉर्म कर देगा, तो ग्लूकोज बनकर ये क्या कर देगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की जो शेल वॉल है उसमें ये उसका फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। तो स्टार्च हमारा ये होमोपॉलीसेक्राइड में स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल। उस तरह डेक्सट्रिन होता है हमारा। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास होते हैं काइटिन, लिग्निन एंड सेल्यूलोज। काइटिन, लिग्निन एंड सेल्यूलोज, तो ये सभी प्लांट की सेल वॉल और फंग्स की सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया है। एक बार और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को उनमें प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल के बेसिस पर कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया है? चार कैटेगरीज में। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, सेकंड है डाइसैकेराइड, थर्ड है ओलिगोसैकेराइड एंड फोर्थ है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होगा, इसको भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, किसमें? फर्स्ट एल्डोज और कीटोज में, और सेकंड इसमें प्रेजेंट कार्बन एटम्स के बेसिस पर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोजेज, ट्रायोजेज, टेट्रोजेजेज, पेंटोजेजेज, हेक्सोजेजेज एंड हेप्टोजेजेज में, ठीक है, 3 से लेकर 7 कार्बन तक के कंपाउंड्स में। फिर आता है डायसेक्राइड्स। डायसेक्राइड्स में क्या है? जो 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसमें सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज एग्जाम्पल के फॉर्म में आते हैं। अब आता है ओलिगोसेक्राइड, जो कि 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, रेफिनोज और स्टेकाइज उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास में 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। होमो और हेट्रो में से डिवाइड किया गया है। होमो जो कि सेम शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, हेट्रो जो कि डिफरेंट डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। होमो को भी फर्दर डिवाइड किया है स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर्स में। स्टोरेज जो कि स्टोर होगा और स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में किसी चीज के स्ट्रक्चर के और स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यहाँ से क्लियर होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशंस के बाद हम पहुंचेंगे सबसे फर्स्ट हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें उनमें मोनोसैकेराइड्स पर। तो अब देखो पहले ही इसका डेफिनेशन तो देखो हमें क्लियर है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। सैकेराइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। अब देखो सबसे सिंपलेस्ट है जो खुद ही सिंपल है, उसे अगर हम फर्दर तोड़ने की कोशिश करें या उसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो उससे छोटी यूनिट तो कुछ बन ही नहीं सकती है। जैसे कोई हमारे पास में एटम प्रेजेंट है, मान के चलो कि एटम एक सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है किसी किसी भी चीज़ की। अब ये मत बोलना कि एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियस और उसके अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। एटम को मान के चलो कि एक बेसिक यूनिट है। अब एटम को तोड़ेंगे तो उससे कुछ भी नहीं फॉर्मेशन होगा। तो उसी तरीके से ये बेसिकली हम मान सकते हैं कि किसी घर को बनाने में जो ईंट होती है उसकी तरह ये काम करता है, ठीक है। अगर एक सिंपलेस्ट जो यूनिट है एक ईट की तरह यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है इसकी डेफिनेशन से हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझते हैं। अब जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को हम थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जिन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपलर फॉर्म में और छोटी यूनिट्स में। ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इन्हें सिंपल शुगर भी कहा जाता है, जो जनरल चीज है, सिंपल है तो सिंपल ही बोला जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू। अब इनमें जो कार्बन का नंबर प्रेजेंट है उनके बेसिस पे इनको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है। ये सब डिविजन हम पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे डिवाइड किया है इनको। ट्रायोजेजेस 3 कार्बन वाला जो है,
है, टेट्रोजेजेज 4 कार्बन वाला जो है, पेंटोजेजेज 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड मोनोसेक्राइड है, हेक्सोजेजेज 6 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड है, और हेप्टोजेज जो कि 7 कार्बन वाला कंपाउंड है या 7 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। अब एक और क्लासिफिकेशन क्या था, जिसमें एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, एल्डोज, और जिसमें कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, कीटोज। अब एल्डोज में हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स बस देखते जाना, ट्रायोज एल्डोज कौन सा है हमारे पास, ग्लिसरल्डिहाइड, ट्रायोज कीटोज कौन सा है हमारे पास, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोजेज एल्डोज कौन सा है हमारे पास, इरिथ्रोज, और टेट्रोजेज कीटोज हमारे पास में है इरिथ्रुलोज, पेंटोजेज एल्डोज है हमारे पास राइबोज, और पेंटोजेज कीटोज हमारे पास है राइबुलोज, हेक्सोजेज एल्डोज हमारे पास है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड हेक्सोजेज कीटोज है हमारे पास फ्रक्टोज। उसी तरीके से हेप्टोजेज या 7 कार्बन में हमारे पास एल्डोज है ग्लूकोहेप्टोज, और हेप्टोजेज कीटोज में हमारे पास है सीडोहेप्टिलोज। अभी समझ तो आ गया होगा क्लासिफिकेशन कैसे है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ से नाम से पूरा क्लियर हो जाए, जैसे हमारे पास आया कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है कोई पूछे, तो ग्लूकोज को हम कैसे समझेंगे, पहले तो हमें पता है कि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, मोनो मतलब एक सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइज उसको नहीं कर सकते हम सिंपलर यूनिट्स में। अब ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब क्या है, हेक्सोजेज मतलब 6 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है, हेक्सो मतलब होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होता है केमिस्ट्री में, बेसिकली जब हम आईयूपीएससी नेमिंग वगैरह करते हैं उन सब कंडीशंस में, यहाँ पे हम ग्रुपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें वहां पे हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन के लिए हम हेक्सोज का यूज करते हैं, 6 नंबर के लिए हेक्सोज का यूज करते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज मतलब जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, और एल्डोज, एल्डोज का मतलब इसमें एक एल्डिहाइड या सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उसमें पहचानना कठिन नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें 6 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होंगे और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखो एल्डो जैसे ग्लूकोज हुआ और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, पर जो डिफरेंस होता है वो भी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब इतना समझो कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर हमने कैसे किया है, एक तो उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पर, और उनमें प्रेजेंट कार्बन नंबर के, कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पर हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। अब मोनोसेक्राइड्स की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ग्लूकोज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लेकिन हम जो मेन पढ़ेंगे वो है हेक्सोज, कौन कौन से, ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट शुगर और सबसे पसंदीदा शुगर जिसका नाम हम सुनते ही रहते हैं, और वो क्या है हमारा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपलर फॉर्म्स में। तो ग्लूकोज इज अ हेक्सोज मोनोसैकेराइड, और हेक्सोज में भी कौन सा, एल्डोज, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे पहले, भी इतना समझो। ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ईच डाइसैकेराइड, सभी डाइसैकेराइड्स में जो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनमें उनमें ग्लूकोज कंपलसरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लूकोज उनमें रहेगा ही, हर डाइसैकेराइड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज और ब्लड शुगर, इसको डेक्सट्रोज या ब्लड शुगर भी कहा जाता है। देखो आपने जब भी हम किसी पेशेंट को आई बी फ्लूड एड करते हैं, जब भी आपने बॉर्ड वगैरह में कहीं पे भी किसी को बॉटल्स लगते हुए देखा होगा तो वहां पे देखना D5 D10 करके रहता है, तो वो यही है डेक्सट्रोज या ब्लड शुगर, ब्लड में प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डेक्सट्रोज या ब्लड शुगर बोला जाता है। एनर्जी सोर्स फॉर ऑल बॉडी फंक्शन, सभी बॉडी फंक्शन के लिए ग्लूकोज एक बेहतर एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। मेजर फ्री शुगर सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, ये मेजर फ्री शुगर है जो कि ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, और इसी को हम जो हमारे हम बोलते हैं ना कि बॉडी में शुगर बढ़ गई है, शुगर घट गई है, तो यही ग्लूकोज होता है जिसे हम चेक करते हैं ग्लूकोमीटर के थ्रू। अब समझ में आएगा वो मशीन को ग्लूकोमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अभी पढ़ा है कि एक, देखो ये चेन स्ट्रक्चर है और एक रिंग स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री में इसके बारे में डिस्कस किया होगा कि रिंग और चेन 2 स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, कार्बन की रिंग प्रेजेंट, कार्बन की चेन प्रेजेंट होगी, और इस चेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, क्योंकि कौन सी शुगर है, ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर है। तो देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद में क्या प्रेजेंट होगा, हमने अभी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में पॉली हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप, तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप, ढेर सारे OH ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, OH 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 इस तरीके से OH ग्रुप। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो ये कौन सी शुगर है, एल्डोज शुगर है, एल्डोज शुगर होने का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट पोजिशन पे हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है, C डबल बॉन्ड
ओ एंड सिंगल बॉन्ड एच है, इसको बोल सकते हैं सी एच ओ ग्रुप है, ठीक है यहाँ पे ये, तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। अब नेमिंग कहाँ से करते हैं हम, तो देखो आईयूपीएससी नेमिंग का आपको पता होगा कि आईयूपीएससी नेमिंग में जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस कार्बन से लेकर सबसे लंबी चेन बनाते हैं। तो यहाँ से हमने आईयूपीएससी नेमिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट कार्बन पे हमारा फर्स्ट कार्बन जो कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, अब देखो यहाँ पे बस इतना सा ग्लूकोज में डिफरेंस है कि जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशंस में हमारे पास एच और ओ एच की पोजीशंस इंटरचेंज हो गई है। देखो बाकी पोजीशंस में हमने यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट से मत समझना, बस डायग्राम बनाए तो उसके लिए 2D मेरे पास अवेलेबल है तो उसे समझा रहा हूँ कि जैसे मानो राइट साइड में हमारे पास में सब में ओ एच ग्रुप प्रेजेंट थे और लेफ्ट साइड में एच ग्रुप प्रेजेंट थे। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि थर्ड पोजीशन पे राइट साइड में एच ग्रुप आ गया है और ओ एच ग्रुप चला गया है लेफ्ट साइड में। तो ये ग्लूकोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला, तो बेंजीन टाइप की वही रिंग बनेगी जो कि 50-60 हज़ार बार तो पढ़ ली होगी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में लगभग। अब यहाँ पे भी हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, नेमिंग वहां से नेमिंग हमने स्टार्ट करी है जहाँ पे जो ओ यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और यहाँ से हमने नेमिंग स्टार्ट करी है फर्स्ट सेकंड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में नेमिंग स्टार्ट करना जहाँ भी ओ फंक्शनल ये क्या बोलते हैं अपना ओ प्रेजेंट है, यहाँ पे वहां से हम लेफ्ट साइड में नेमिंग स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। तो देखो इसमें चेंजेस क्या है, हमारा सभी में एच और ओ एच की पोजिशन बिल्कुल सेम है, एच और एच की पोजिशन बिल्कुल सेम है, बस थर्ड पोजिशन पे क्या हुआ ओ एच प्लेन के ऊपर है और एच क्या है उसके नीचे है। अब यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होता तो मैं बताता कि ओ एच प्लेन के ऊपर कैसे आता है और एच नीचे कैसे जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि एच और ओ एच की पोजिशन थर्ड पोजिशन पे चेंज हो गई, जिसको क्या बोला जाता है डी ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है नंबर में और ऑक्सीजन 6। देखो काउंटिंग भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर से गिनती है, थोड़ा क्लियर होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। वन देखो फर्स्ट ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑक्सीजन है बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोजन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 हाइड्रोजन है और कार्बन तो देखो 6 है ही, पहले काउंट कर चुके हैं। जिस तरीके से हमारा ये ग्लूकोज होता है, सभी मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ग्लूकोज के बाद हम सेकंड स्ट्रक्चर या सेकंड कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल ग्लूकोज से मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा पोजिशन का फर्क होता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास में है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास होता है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या है, ये भी गैलेक्टोज इज अ हेक्सोज शुगर दैट रेयरली ऑकर्स फ्रीली इन नेचर। गैलेक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है जो कि बहुत ही कम नेचर में फ्री फॉर्म में पाई जाती है। बाइंड्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म शुगर इन मिल्क। ग्लूकोज के साथ में क्या करती है, ये बाइंड करती है और मिल्क शुगर का फॉर्मेशन करती है, जिसे क्या बोला जाता है लैक्टोज। वंस एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इट इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। जब बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है या मिल्क हमने ले लिया या किसी अदर फॉर्म में हमने गैलेक्टोज को लिया, तो गैलेक्टोज अल्टीमेटली किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बहुत लंबी साइकिल होती है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, मतलब लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो ग्लूकोज किसमें, गैलेक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और अल्टीमेटली ग्लूकोज से हमें एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रक्चर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बिल्कुल सेम होता है, केवल फर्क इतना है जैसे वहां पे थर्ड पोजीशन पर एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर भी एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है, इतना फर्क है। तो अगर स्ट्रक्चर बनाए तो पहचान लोगे ना, ग्लूकोज में केवल थर्ड पोजीशन पर एच और ओ एच थर्ड कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज हो रही थी, गैलेक्टोज में थर्ड के साथ साथ फोर्थ कार्बन पर भी एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज हुई है। सेम रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, केवल वही थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। तो हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहाँ से क्लियर होते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट बट उतना ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि है हमारा फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी बेसिकली हेक्सोज शुगर है, बट कौन सी, कीटोज, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेक्सोज शुगर ऑकर नेचुरली इन फ्रूट एंड हनी, कहाँ पाई जाती है, फ्रूट्स में और हनी में, ऑल्सो कॉल्ड लिबुलोज एंड फ्रूट शुगर। इसको लिबुलोज और फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, फ्रूट में पाई जा रही है इसीलिए इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, सभी शुगर्स में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है, सबसे ज़्यादा मीठा टेस्ट है इसका, और 1.5 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, सुक्रोज से भी ये 1.5 टाइम्स
स्वीट होती है टेस्ट में, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज, आप देखो डिफरेंस देखना पड़ेगा यहाँ पे, सेम भाई स्ट्रक्चर रहेगा, 6 कार्बन हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, बट यहाँ पे क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटोन ग्रुप हमने कैसे डिस्कस किया था, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये क्या करेगा बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर और ऐड हो जाएंगे, कोई ग्रुप अलग ऐड हो जाएगा। देखो सी डबल बॉन्ड ओ सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसमें क्या होगा, देखो इसमें इसके अलावा क्या होगा थर्ड पोजिशन पर जो था, जैसे उनमें थर्ड पोजीशन पर चेंज हो रहा था स्ट्रक्चर्स में एच और ओ एच की पोजीशन में, उस तरीके से यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर एच और ओ एच की पोजीशन में इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और इसका रिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेंटर में, यहाँ पे नेमिंग करी है इसने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, और यहाँ पे क्या हुआ है बस चेंज, जो थर्ड पोजिशन है उसमें OH और H की पोजीशन में इंटरचेंज हुआ है और फोर्थ पोजीशन फिफ्थ पोजीशन पर कुछ चेंज नहीं हुआ। तो देखो अब ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लूकोज में क्या रहेगा 6 कार्बन की चेन रहेगी, और उसमें भी क्या रहेगा 6 कार्बन की चेन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा फर्स्ट पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर क्या रहेगा एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज रहेगी। गैलेक्टोज में क्या होगा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस केवल थर्ड के साथ साथ फोर्थ पोजीशन पर भी एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज रहेगी। और फ्रक्टोज में क्या होगा, फ्रक्टोज में यहाँ पे सेकंड कार्बन पर एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर था एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें सेकंड पोजीशन पर है कीटोन ग्रुप, तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा सेकंड पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर एच और ओएच की पोजीशन इंटरचेंज रहेगी। और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखता है तो इसमें पहचानने में दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे मोनोसैकेराइड्स यहाँ से क्लियर होते हैं।